बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस, मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। सबसे पहले एक चीज़ वाजह करता चलूँ कि हमारे पास किसी किस्म के वीज़े नहीं है। हमसे ज़रूर रब्ता करें, हमें कॉल्स करें मालूमात लेने के लिए। 9 to 5 ऑफिस की टाइमिंग है। इन केस अगर हमारा कभी आपको नंबर नहीं मिलता तो हमारा व्हाट्सएप इसी नंबर पे, मैं नंबर बताता चलूँ आपको, 03470505236। अगर आपसे रब्ता नहीं होता कॉल पे तो हमें आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। बहरहाल जो आज का हमारा टॉपिक है वह यूरोप वर्क परमिट, हाउ टू गेट यूरोप वर्क परमिट फ्रॉम ईजीएस्ट वे। किस तरह यूरोप का वर्क परमिट हासिल किया जा सकता है ईजीएस्ट वे से, कोई मुश्किल ना हो, खर्चा भी कम हो, कोई फेक काम भी ना हो, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में डिटेल से। सबसे पहले ज़रूरी है, अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कम से कम दो चीज़ें बहुत नेसेसरी हैं। उसमें नेसेसरी क्या हैं, ज़रूरी क्या हैं, वो ये हैं कि या फिर तो आपके पास कोई स्किल डिप्लोमा हो। अगर स्किल डिप्लोमा है किसी भी कैटेगरी का, चाहे प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का, या किसी भी कैटेगरी का, वो है ज़रूरी। अदरवाइज़ आपकी एजुकेशन एटलीस्ट मैट्रिक हो। आपको लैंग्वेज बैरियर ना हो, क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है कि लैंग्वेज बैरियर भी होता है लेकिन फिर भी वो वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो उनका जो फेक एजेंट्स होते हैं उनसे पैसे लेके भाग जाते हैं, या फिर उनको फेक ऑफर लेटर, इनविटेशन लेटर थमा देते हैं जी कि आपका आ गया, मेडिकल करवा लें, ऐसा करवा लें, वैसा करवा लें। तो इन चीज़ों से बचें। हम लोग कोशिश करते हैं जो स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट से वो बेहतर रहनुमाई कर सके। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास किसी किस्म के वीज़े नहीं होते, हमसे ज़रूर रब्ता करें लेकिन हमसे किसी भी वीज़ा लेने के लिए रब्ता ना करें कि फ़लां का वीज़ा कितने का है, फ़लां का वीज़ा कितने का है। हम आपको किसी भी कंट्री का वीज़ा प्रोवाइड नहीं कर सकते, ना ही तो हम लोग एम्बेसी बैठे हैं, ना ही तो हम लोग वीज़ा ऑफिसर। हम लोग जस्ट कोशिश कर सकते हैं आपका वीज़ा अप्लाई करवाने के लिए। वो किस तरह कोशिश कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। मैं जैसे बताया था कि आपको ज़रूरत है कि आपके पास कोई डिप्लोमा हो, कोई स्किल हो, या कि आपकी एजुकेशन मैट्रिक हो, देन यू कैन एलिजिबल। उसके बाद आप एक एलिजिबल हो जाते हैं कि आपकी जो मियार है वो आपका पूरा उतरता है। इसका तरीकाकार ये होता है कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान में, आपको मिसाल सुन छोटी सी, अगर किसी शॉप पे कोई एक जॉब है या कोई हमारे दफ्तर में कोई ऑफर है कोई जॉब की वैकेंसी, तो हम अपने रिक्वायरमेंट एजेंसी से रब्ता करेंगे या फिर हम अपने किसी कोलीग को बताएंगे जी हमें फ़लां कैटेगरी का बंदा चाहिए, इतना सैलरी दे सकते हैं। इसी तरह बाहर के मुल्कों में ये होता है कि अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना तो वो अपनी वेबसाइट्स पे रिक्वायरमेंट एजेंसी के थ्रू फ़लां दूसरे थ्रू सॉरी वो फॉरवर्ड करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं हमें फ़लां कैटेगरी का बंदा चाहिए, उसको ये स्किल हो या उसकी इतनी एजुकेशन हो या उसके पास इतना एक्सपीरियंस हो फ़लां कैटेगरी का, फ़लां शोबे का हमें बंदा चाहिए। तो वो जो रिक्वायरमेंट एजेंसी होती है, सॉलिसिटर्स होते हैं, वो अपनी वेबसाइट्स पे, ईमेल्स पे या फिर फेसबुक पे, जिस पे सोशल मीडिया पे चीज़ें अपडेट करते हैं, उन्हें बताते हैं हमें बंदा चाहिए, फिर उसके बिहाफ पे लोग अप्लाई करते हैं। और मज़े की बात, इसकी कोई फ़ीस नहीं होती। फ़ीस जस्ट वो होती है जो इनकी रिक्वायरमेंट एजेंसी वाला चार्ज करते हैं, वो डिपेंड करती है वो किस लेवल पे हैं और कितनी फ़ीस चार्ज करते हैं। ये चीज़ नेसेसरी होती है। आप उनको अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करते हैं, फिर उन पर डिपेंड है वो आपको हायर मतलब आगे आपकी सीवी फॉरवर्ड करते हैं या नहीं करते हैं। जब अपना आगे सीवी आपकी फॉरवर्ड करते हैं, जो कंपनी होती है या कोई शॉप होती है या कोई कोई भी ऐसा बंदा होता है, वो आपकी सीवी को जांच पड़ताल करता है, देखता है जी कि उसको कि ये मेरे लिए सूटेबल बंदा है या नहीं। अगर बंदा सूटेबल होता है तो आपसे रब्ता करता है, इंटरव्यू कंडक्ट करता है, सारा कुछ देखता है, देन इसका आगे प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये प्रोसेस एक दो दिन, एक हफ्ते का, एक महीने का नहीं होता, इस पर टाइम लगता है। वो फिर अपने जो थ्रेड, वो अपने जो उनका एक लेबर कोड होता है या फिर उनका जो तरीका का होता है उसके मुताबिक चलते हैं। अक्सर कंट्रीज़ में ये होता है कि अगर वो किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो बंदे को बुलाना चाह रहे हैं, तो फिर वो अपने सोशल मीडिया में ऐड देते हैं, अखबारों में ऐड देते हैं, हमें बंदा चाहिए, हमें हायर करना चाह रहे हैं। अगर तो उनसे कोई रब्ता करता है तो ठीक, अदरवाइज़ जिस बंदे को उन्होंने फाइनलाइज़ किया होता है उसके बारे में कहते हैं हमें बंदा पाकिस्तान सॉरी अपने होम कंट्री से बंदा नहीं मिल रहा, हम पाकिस्तान से बंदा बुलाना चाह रहे हैं, इंडिया से बुलाना चाह रहे हैं, या जिस कंट्री से बुलाना चाह रहे हैं, वो फिर इसको ऑफ़र लेटर भिजवाते हैं। ऑफ़र लेटर के बाद वो फिर बंदा जो होता है एप्लीकेंट होता है उनको साइन करके फॉरवर्ड करता है। ये सारा कुछ, ये सारा क्राइटेरिया होता है, फिर इसका वर्क परमिट आता है, वो जाके एम्बेसी में अप्लाई करता है। ये सारा क्राइटेरिया इस तरह चलता है। लेकिन ये बहुत फेक होता है जी कि इतने लाख का वर्क परमिट मिल जाएगा, फ़लां लाख का वर्क परमिट मिल जाएगा, इतना ईजी नहीं। अगर इतना ईजी हो तो मैं कहता हूँ कि आधा पाकिस्तानी यूरोप या फिर दूसरे कंट्रीज़ में पहुँच जाए। आप छोटी सी मिसालें, जो मुझे इस वक्त लोग सऊदी अरब गल्फ से देख रहे हैं, दुबई से देख रहे हैं, उनको ही पता है कि वहाँ से वर्क परमिट निकलता है, वहाँ पर जो एक उनका होता है सीनियर, वो जो उनका जो ऑनर होता है, डायरेक्टर होता है, वो उनको वीज़ा इशू करवाता है गवर्नमेंट ऑफ दुबई से, गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया से, या गवर्नमेंट ऑफ कतर, जो भी उनका एक होता है, उसके बाद ही उनका वर्क ऑफर लेटर निकलता है, फिर वर्क परमिट निकलता है। सेम क्राइटेरिया यही होता है। अगर आपने किसी भी कंट्री का, मैं बात करूँ यूरोप की, अगर वीज़ा अप्लाई करना है
तो आपको एक प्रॉपर प्रोसेस से चलना पड़ता है। थ्रू रिक्रूटमेंट एजेंसी आपको कंपनी हायर करवाती है। इतना इजी नहीं है कि आप ये समझ लें कि आपको मैं वीज़ा प्रोवाइड कर दूंगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, ये थी आज की वीडियो। ज़रूरी है कि अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके पास कोई स्किल हो या फिर आपकी एजुकेशन मैट्रिक से ऊपर हो। मैट्रिक से ऊपर होगा आप लेबर में अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मली तो लेबर ही होता है, लेकिन एज अ हेल्पर भी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी है कि आपके पास एक लैंग्वेज बैरियर ना हो, आप में इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप अपना एक CV को स्ट्रॉन्ग कर सकें। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको सवालों की बात पूछना चाह रहे हैं, हमसे कोई सर्विस लेना चाह रहे हैं, हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 03470505236। ऑफिस का एड्रेस है सेकंड फ्लोर सोबत प्लाजा, मेन बाजार चकवाली आज़ाद कश्मीर, नियर टू गवर्नमेंट बेकरी। बहुत शुक्रिया, बार बार लगा दो कुछ नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।